एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फाइनली मैं आ चुका हूँ एलटीटी टर्मिनस। मैंने कल पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ घर, तो मेरी ट्रेन करीब अभी 10 बजे है। मेरी ट्रेन है 11:30 की और बाहर हो रही बहुत ज़्यादा बारिश, मेरे बाल भी गीले हो गए, तो मैं आ चुका हूँ अंदर प्लेटफॉर्म पे। और पीछे आप देख रहे होंगे मेरे, मैं आ गया हूँ और थोड़ा सा वेट करना, एक घंटे के बाद मेरी ट्रेन है, फिर मैं चलूँगा अपने गांव। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, यहाँ से लेके मैं गांव तक की वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। गाइस, तो मैं पी रहा हूँ अभी कॉफ़ी, और क्योंकि मैं बारिश में भीग चुका हूँ, मुझे ठंड लग रही थी थोड़ी सी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो पहले ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। इस ट्रेन को निकलने के बाद मेरी ट्रेन है, तो फिर गाइस, तो ये आ गई मेरी ट्रेन। बट एक शॉर्ट एक सीन हो गया मेरे साथ कि मैं खड़ा था 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, बट ट्रेन आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब मैं ट्रेन में कर रहा हूँ इंटर और देखता हूँ मेरी सीट कहाँ पर है। मेरी सीट है 21, देखता हूँ मेरी सीट कहाँ मिल सकती है। 40 एंड 22 21 20, S4 है ना अंकल, ये रही मेरी सीट। बट फाइनली मैं सीट पे आ गया हूँ, मैंने रख दी अपने सामान और मैं बैठ जाता हूँ। अभी मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पे और ट्रेन में अभी करीब 15 मिनट टाइम है, ट्रेन निकलेगी यहाँ से, और जैसे निकलती है तो मैं तो पहले ऊपर जाके सो जाऊँगा, उसके बाद आपको मैं सीधा मिलूँगा रात में। गाइस, ट्रेन तो हमारी निकल चुकी है, अब मैं चल रहा हूँ अब अपने घर की तरफ। तो गाइस, अभी मैं सो के उठा हूँ, रात के बज गए 3 और मैं पहुँचा हूँ इस वक्त जबलपुर। जबलपुर चुके बहुत सारे जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं जबलपुर में काफ़ी टाइम रह चुका हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं जबलपुर में। तो अभी मैं जबलपुर में कुछ खाने के लिए उतरा था मैं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे, बट कुछ मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, तो कुछ भी नहीं है, भूखा ही रहूँगा, क्योंकि अभी एक दिन निकला और एक रात निकल गई है, अभी पूरा दिन और मुझे ट्रैवल करना है, और उसके बाद फिर रात में जाके दिन और निकालने के बाद मुझे रात में जाके फिर मैं पहुँचूँगा घर। तो प्लीज़ देखते हैं, वीडियो में बने रहो। मैं जबलपुर से निकल रहा हूँ, ये रहा मेरा जबलपुर स्टेशन। अब मैं जबलपुर से आगे बढ़ रहा हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग की कॉफ़ी के साथ। Hey guys, तो फाइनली सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग सबको। मैं अभी पहुँचा हूँ इलाहाबाद, रात भी कट गई, रात को मुझे कुछ खाने को नहीं मिला था, तो अब मैं इलाहाबाद आया हूँ। पहले तो खाऊँगा दबा के और फिर एक बढ़िया सी गर्म चाय या कॉफ़ी कुछ तो पीऊँगा, फिर अपना ट्रैवल कंप्लीट करूँगा। ओके बाय गाइस, तो मैंने ले ली कॉफ़ी और मॉर्निंग की, जैसा मैंने बताया था कि सुबह की कॉफ़ी पे मिलूँगा, और देखते हैं यहाँ से ट्रेन कितनी टाइम में निकलती है, 10 मिनट की तो टाइमिंग है। मैंने कुछ फटाफट खाया और एक कॉफ़ी पी के ना मूड थोड़ा सा हो गया, क्योंकि ट्रैवल में ना बहुत ज़्यादा थक भी जाता हूँ। और फिर दरभंगा पहुँच के मिलते हैं आपसे, बने रहो वीडियो में। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने गृह क्षेत्र दरभंगा सिटी। मैंने बताया था अभी करीब टाइम हो रहा है मेरा 12:30, 12:30 हो रहा है, और मैं यहां से घर की तरफ जाऊंगा, बाहर निकलता हूं स्टेशन के, देखता हूं कि क्या मिलता है मुझे व्हीकल्स में घर तक जाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि फ्रेंड बता रहा था मेरा कि शायद नहीं मिलती इस टाइम पर गाड़ी, बट फिर भी ट्राई करते हैं और ट्रेन के बाहर जाते हैं और वीडियो के एंड करूँगा बाहर जाके। ओके, तो मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, और व्हीकल्स शायद मुझे रिक्शा मिल रही है अभी यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, 2 दिन का सफ़र फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा, और घर पे पहुँच जाऊँगा मैं सही सलामत आप लोगों की दुआ से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस ऐसे ही प्यार देते रहो, और जो लोग नए चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।
ओके।